हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, तो डस्टिंग वगैरह हो गया और मैं चेंज कर रही हूँ सोफे का कवर। तो आज लेट हो गया मुझे उठने को, क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी, 2 बज गया था सोने को, तो इसके लिए उठने को भी लेट हुआ। नींद ज़रूरी है, अगर नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन फिर अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं भी सो गई, आराम से उठी, आज 8 बजे उठी हूँ, तो इसके लिए काम करने को भी लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, अभी तो स्कूल ऑफिस कुछ भी चालू नहीं है, तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है सुबह में। और अभी सुबह का यही रूटीन रहता है डेली का, सुबह उठ के पहले डस्टिंग वगैरह करती हूँ, फिर इसके बाद शावर लेती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ। अभी का ऐसा है, बट स्कूल और ऑफिस चालू रहता था तो ऐसा नहीं होता था। सुबह सुबह उठ के पहले किचन में ही जाना पड़ता था, क्योंकि जल्दी का स्कूल था आरुष का, और इनको भी ऑफिस जाना रहता था। आदिति का भी 9:30 का ही था, तो सुबह सुबह उठ के पहले ब्रश वगैरह करके किचन में ही जाती थी। बट अभी कुछ ऐसा नहीं है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, और सुबह में उसके उठ के पहले मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि आदि आरुष सोए रहते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और ये सब काम मेरा शांति से हो जाता है, नहीं तो आरुष बीच बीच में आके परेशान करते रहते हैं। दीदी से मांग लो, मैं किचन में हूँ ना। तो अभी बना रही हूँ मैं लंच, और लंच में है आज दाल राइस, सब्जी और रोटी, भिंडी की सब्जी है। हाँ बेटा, भिंडी हाँ बन भी गई है, भिंडी बहुत पसंद है आदिति को, तो वही बनाई हूँ। और मसाला एक लाए थे हम लोग, बहुत दिन हो गया, तो मसाला ऐड करके बनाई हूँ, देखते कैसे बनेगा, क्या पता। हाँ हाँ, मसाला भिंडी है बच्चे। तो सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, और आटा भी गूंथ के रख ली हूँ, और दाल में लगा रही हूँ तड़का, इसके बाद मैं रख दूँगी राइस, और मशीन भी लगाई हूँ। ये फ्रिज में एप्रन मेरा टंगा रहता है, पीछे देखिए प्लीज, इग्नोर कीजिएगा उसको, मेरी आदत। ये और ये एप्रन मतलब इधर ही लगा देती हूँ, मुझे आसानी से मिल जाता है, यहाँ पे लगा देती हूँ ना, ढूंढना नहीं पड़ता है, तो आसानी से मिल जाता है। इसके लिए मेरी आदत है ना, कितना भी मतलब कोशिश कर रही हूँ पर नहीं छूट रही है, मशीन पर ही टंगे रहते हैं। तो ये दाल में लगा दे रही हूँ तड़का, और राइस रख दूंगी, सबसे कपड़े हो जाएंगे, इसके बाद मैं बना दूंगी रोटी। सब्जी आज मैं नहीं बनाई हूँ, पता नहीं कैसी बनी होगी। दाल भी मैं नहीं बनाई हूँ, सिर्फ दाल में तड़का लगा रही हूँ, और राइस और रोटी बनाऊंगी मैं, दाल और सब्जी इन्होंने बनाई है। क्या पता मेरा खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, बहुत पैर दुख रहा है। कल लंच बनाने को बहुत लेट हो गया था, और रुक रुक के बना रही थी किचन में, फिर एक मिनट मशीन की आवाज़ आई। कंटिन्यू बहुत देर तक खड़ी थी कल किचन में, वो मसाला डोसा बना रही थी, तब से पैर बहुत दुख रहा है। आदि पानी में क्यों जा रहा बेटा? तो चलिए, कपड़े भी हो गए हैं, मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट इसी तरह से करते रहिए, आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं कर लेती हूँ बाकी का काम, फिर उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो
यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ रोटी, और आटा गूंथ के रख दी थी, आधे घंटे हो गया तो थोड़ा गीला हो गया है आटा, पहले से ही गूंथ के रख दी थी तो अच्छे से नहीं बन रही है रोटी। और फिर नहीं तो इसमें थोड़ा आटा डाल के ठीक करूँ मैं। और ये आरुष है, इनको भी रोटी बनानी है। देखिए तो इनका प्लेट खिसक रहा है, नीचे टावल लगा के दे दी हूँ, छोटी रोटी बनानी है इनको। तो लंच हो गया, अभी बैठी हूँ मैं बालकनी में, बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा है तो किचन क्लीन करके बैठी हूँ थोड़ी देर, बाद में करती हूँ। अभी आरुष आ गए, मम्मा मुझे दिखाओ ना, देखिए मेरा छुट्टी आ जाएगी। आरुष मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, मैं सोची थोड़ी देर बैठती हूँ हवा लेती हूँ, बहुत अच्छी हवा आ रही है। क्या कर रहे हैं, टीवी नहीं देख रहा है? मम्मा बरात पतो, आ जाओ मम्मा बरात पतो, इधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, गिर जाओगे। कैसा था लंच, कैसा था बताओ, लंच कैसा था? अच्छा था, गए अभी आया, पता नहीं क्या देख रहे, टीवी में आवाज आई कुछ तो गए बाद। खाना खाने के बाद मन नहीं करता काम करने का, ऐसा लगता है कि जाओ चुपचाप से सो जाओ। मैं सोची थोड़ी देर बैठती हूँ, बाद में करती हूँ थोड़ी देर के बाद। ठंडी ठंडी हवा आ रही है बालकनी में, चले जाओ धो लूँ, धोना तो यही है बर्तन। तो बर्तन धो ले रही हूँ मैं अभी, इसके बाद भी जो करना रहेगा करूँगी फिर। और आरुष शहद खा रहे थे तो कपड़े पे गिरा लिए है, वो स्पून से खाओ तो टपक ही जाता है और वो खुद से ही खाने के लिए जिद करते हैं। तो मैं क्लीन कर रही हूँ, तो उनको गले में हाथ लगा रही हूँ तो गले पे गिराए हैं कपड़े पे, तो उनको गुदी गुदी हो रही है, भाग रहे, अच्छे से करने भी नहीं दे रहे। और बर्तन धो लूँगी, उसके बाद जाके उनका टी शर्ट ही चेंज कर दूँगी। ये सब पहली बार कर रही हूँ, कभी आज तक मैं अचार नहीं बनाई हूँ, इसका कैरी का अचार कभी नहीं बनाई हूँ। मतलब हमेशा गांव से आता था घी और अचार, दो चीज़ गांव से ही आता था, कभी मैं यहाँ पे नहीं बनाई हूँ। और ये लॉकडाउन में घी भी बनाई मैंने 2-3 बार, 1 किलो जैसे घी निकाल ली हूँ और अचार बना रही हूँ। अचार बनाने को डर लग रहा है, पता नहीं अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा, पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, शायद सीख जाऊँ इसी बहाने। तो कभी बनाए ना रहो तो थोड़ा, और ये मुझे मतलब पसंद नहीं है अचार बनाना, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मिल भी जाता था गांव से दीदी नहीं तो मम्मी को ही तो दे देता था घी और अचार, तो आ जाता था गांव से। ये बार भी बना है, मेरे हिस्से का हमेशा बनता है अचार और घी, बना के ही रखते हैं वैकेशन में, या बीच बीच में भी कोई आता जाता है तो लेके आता ही है। आरुष आवाज कम करो, आरुष आवाज कम करो बेटा। तो ये बार भी बना है, पर कब मिलेगा भगवान जाने, अभी तो फिलहाल इतनी जल्दी नहीं मिलेगा कि ना हम लोग जाएंगे ना भी कोई आएगा। हम लोग जाने वाले थे ये बार, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया, ये
अभी मुझे कितना 4 साल हो गया, 4 साल हो गया गांव जाके। पिछले साल जाने वाली थी तो आरुष की तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं गई थी। फिर आरुष छोटे थे, उनको मच्छर से एलर्जी है, मच्छर काटता है उनको तो पूरा स्वेलिंग हो जाता है इतना। इसके लिए मैं गई ही नहीं, एक ही बार गई थी, उनका मुंडन कराना था तो हम लोग का गांव में ही कराते मुंडन, वही मुंडन कराना था तभी गई थी, इसके बाद मैं गई ही नहीं। 4 साल हो गया तो आ जाते हैं। मम्मी भी आई थी उनसे भी मिली, दीदी भी आई थी उनसे भी मिली, और अभी हम लोग 2 महीने पहले वैष्णो देवी गए थे। तो हम लोग यहाँ से गए थे और गांव से मम्मी दीदी और मेरे भाई और भाभी सब आए थे तो वो लोग से मिल ली, तो मिलना हो गया इसके लिए। और भी मतलब कंफर्म नहीं था पर सोच रहे थे शायद जाएंगे, अगर अभी नहीं जाते तो दीपावली की छुट्टी में जाते, बट अभी तो कोई चांस नहीं है, देखते। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ अचार, क्योंकि अचार मिलेगा नहीं अभी, और घर में रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब जिसको आदत है रखने की खाने की। मैं इतना नहीं खाती हूँ, ये खाते हैं, तो इसके लिए जिद करे कि बनाओ। लेके मैं बोली भी नहीं, फिर ये लेके भी आए ज़बरदस्ती, अब लेके आए तो बनाना तो पड़ेगा, मुझे लाना होता तो मैं नहीं बनाती, पर अभी आ गया है तो बनाना पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी बनाओ या मजबूरी में बनाओ, पर बनाना तो है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं दाल रखी हूँ, दाल हो रही है तो दाल और राइस ही बनाऊँगी डिनर में। और ये बनाना कट करके दे रही हूँ मैं, अदिति प्रैक्टिस करी कराटे का तो करने के बाद थोड़ा देर बैठी थी 15 मिनट, करने के बाद उनको भूख लग जाती है एक बार, तो डिनर बनने को टाइम है अभी। दाल ही रखी हूँ मैं, सिर्फ दाल हो जाएगी तो फिर मैं उसी कुकर में राइस रखूँगी। तो मैं बनाना कट करके दे रही हूँ आदि को आरुष को, इस तरह से कट करके देती हूँ तो खा लेते दोनों लोग, और खड़ा ही दे दूँगी तो ऐसे लगता है कि खा के बोर हो जाते हैं, नहीं खाते फिर। खेल रहे हैं लोग, बेड से सारा ब्लैंकेट और पिलो सब लेके गए हैं, ट्री हाउस बनाए हैं, खेल रहे हैं। मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि इससे खेलते हैं लोग तो आधे एक घंटे आराम से खेलते हैं, मस्ती नहीं करते, इसके लिए मैं नहीं बोलती। अभी डेली का लोग डेली लेके जाते हैं, पूरा बेड खाली कर देते हैं। आरुष चिल्लाओ मत, तो अभी खराब हो गया था जब मैं दिखाई, आरुष अच्छे से बनाए थे ट्री हाउस। हाँ ठीक है, बनाना फिर मैं दिखा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तो डिनर हो गया और अचार भी बन गया। के ऊपर हंसी आ रही है मुझे, और मतलब अच्छा लग रहा है, पहली बार बनाई हूँ, लेकिन जब वो पूरी तरह से बना रहेगा सही रहेगा, क्योंकि खराब भी हो जाते हैं बहुत बार बनाते लोग, तो पता नहीं अभी देखती हूँ, तो थोड़े दिन के बाद पता चलेगा, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पता चलेगा, देखती हूँ कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो फिर बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम भी। चलिए मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।